नमस्कार, स्वागत है आपका ज्योतिष जीवन वैभव के पंचांग श्रृंखला में। हम आपका इस श्रृंखला में दैनिक पंचांग से अवगत कराएंगे। पंचांग का पूजा, मांगलिक कार्य एवं मुहूर्त में खास महत्व होता है। पुरातन काल से ही पंचांग देखे बिना कोई कार्य संभव नहीं होता था, जो लगभग आज भी कायम है। पंचांग के 5 अंक नक्षत्र, तिथि, योग, करण व वार होते हैं, जिसका विस्तृत विवरण प्रस्तुत है। आज का पंचांग है 28 सितंबर 2022 का। अभी एकदम संवत 2079 और शक संवत 1944 चल रहा है। तिथि तृतीया है, जो कि 29 सितंबर की रात्रि 1:30 तक रहेगी, उसके उपरांत चतुर्थी लग जाएगी। वार बुधवार है, मास अश्विन है, ऋतु शरद है और पक्ष शुक्ल पक्ष है। सूर्योदय प्रातःकाल 6:10 पर है और सूर्यास्त सायंकाल 6:11। चंद्रोदय प्रातःकाल 8:13 पर है और चंद्रास्त सायंकाल 7:51। नक्षत्र चित्रा है, जो कि प्रातः 6:17 तक रहेगा, उसके उपरांत स्वाति लग जाएगा, जो कि 29 सितंबर की प्रातः 5:53 तक रहेगा। योग वैधृति है, जो कि 29 सितंबर की प्रातः 3:06 तक रहेगा, उसके उपरांत विषकुंभ लग जाएगा। करण तेतिल है, जो कि दोपहर 2:02 तक रहेगा, उसके उपरांत गर, जो कि 29 सितंबर की रात्रि 1:30 तक रहेगा। अब जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। विजय मुहूर्त दोपहर 2:12 से 3 तक। गोधूली मुहूर्त सायंकाल 6:01 से 6:25 तक। अशुभ मुहूर्त राहुकाल दोपहर 12:11 से 1:41 तक। यमगंड प्रातः 7:41 से 9:11 तक। गुलिक काल प्रातः 10:41 से 12:11 तक। सूर्य भी कन्या राशि में है और चंद्र तुला राशि। दिशा सूर्य उत्तर में है, स्वाद उत्तर की तरफ जाने वालों को सुझाव है कि उस ओर जाना स्थगित कर दें। अग्निवास पृथ्वी में है, हवन आदि कर्म के लिए यह उपयुक्त समय है। अब जानते हैं आज का व्रत त्योहार। आज शारदीय नवरात्रि का 3रा दिन है। आज के दिन बाघ पर सवार स्वर्ण के समान रंग वाली 10 हाथ वाली माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। ब्रह्मा विष्णु और महेश के मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई, वही चंद्रघंटा कहलाई। इस देवी को भगवान शिव ने त्रिशूल, भगवान विष्णु ने चक्र, देवराज इंद्र ने घंटा, सूर्य देव ने तेज और तलवार और बाकी देवताओं ने अपने अस्त्र और शस्त्र दिए। महिषासुर के आतंक से देवताओं को बचाने के लिए माँ चंद्रघंटा महिषासुर से जा भिड़ी। माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का संहार कर दिया। माँ चंद्रघंटा को पूजा में अक्सर पुष्प, गंध, सिंदूर और धूप अवश्य अर्पित करना चाहिए। इसके साथ माँ चंद्रघंटा को चमेली का पुष्प अर्पित करना चाहिए, वह प्रसन्न होती है। अब जानते हैं आज जन्म लिए बालक बालिका का फल। 28 सितंबर की प्रातः 6:15 से 29 सितंबर की प्रातः 5:53 तक जो बच्चा जन्म लेगा, वह स्वाति नक्षत्र में जन्मा बच्चा है। इनका जन्माक्षर T2T2 है। पाया लोहा है कि अपने बुद्धि के बल पर सफलता हासिल करेंगे। ये लोग धन कमाने और उसकी बचत करने में निपुण होंगे। इनके पास मुश्किल परिस्थितियों में भी धन की कमी नहीं होगी। ये बिजनेस के बजाय नौकरी करना ज्यादा पसंद करेंगे। यह दृढ़ निश्चय होंगे, अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी दृढ़ता से प्रयास करेंगे। शारीरिक श्रम के स्थान पर मानसिक कार्यों को अधिक वरीयता देंगे। मानसिक रूप से यह सक्षम होंगे और कठिन से कठिन कार्य को भी अपने समझ बूझ से शीघ्र ही सुलझा सकने की योग्यता रखेंगे। स्वभाव से थोड़े ईर्ष्यालु रह सकते हैं, परंतु बोलचाल से अपना काम निकालने का गुण इनमें स्वाभाविक रूप से होगा। वाक्पटुता इनका सहज गुण है। मार्केटिंग और सेल्समैनशिप का कार्य इनके लिए विशेष लाभप्रद रहेगा। स्वास्थ्य की बात करें तो इन्हें चमड़ी के रोग, मधुमेह, फेफड़े के रोग हो सकते हैं। अब जानते हैं आज का शुभ चौघड़िया, दिन का चौघड़िया। लाभ 6:11 से 7:41 तक। अमृत 7:41 से 9:11 तक। शुभ 10:41 से 12:11 तक। चर 3:12 से 4:42 तक। लाभ 4:42 से 6:12 तक। रात का चौघड़िया शुभ 7:42 से 9:12 तक। अमृत 9:12 से 10:45 तक। चर 10:42 से 12:11 तक। लाभ 3:11 से 4:41 तक। आपको हमारे प्रयास कैसा लगा हमें जरूर बताएं। कमेंट करके बता सकते हैं या मेल कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा दें, जिससे कि आने वाले आकर्षक वीडियो का पता आपको जल्द से जल्द चल सके। धन्यवाद।